गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास वी स्टार्टेड द लॉजिकल गेट्स और हमने एंड गेट उसमें किया, और एंड गेट जो हमने किया, हमने टू इनपुट का एंड गेट किया, तो थ्री इनपुट का एंड गेट भी हो सकता है, फोर इनपुट का भी हो सकता है, एंड गेट विद एनी नंबर ऑफ इनपुट्स इज पॉसिबल। सो एक हम थ्री इनपुट एंड गेट करेंगे, अब थ्री इनपुट एंड गेट कंपोनेंट वही करेंगे। सबसे पहले सिंबल, थ्री इनपुट के सिंबल में क्या डिफरेंस आएगा? थ्री इनपुट्स में देर विल बी थ्री इनपुट्स ए बी और सी, उसमें दो इनपुट्स थी ए और बी। ए बी सी वाई दीज ऑल आर नेम्स, जो हम नाम रख रहे हैं उनके, कुछ भी रख सकते हैं आप, एक्स वाई जेड एनीथिंग, ठीक है। तो तीन इनपुट्स हैं ए बी और सी, आउटपुट है वाई। नेक्स्ट, अब हम बनाएंगे इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में इनपुट्स आउटपुट, इनपुट्स तीन है इसकी ए बी और सी, आउटपुट इज वन वाई। ये हमने डिफरेंट नंबर ऑफ जो इनपुट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। अब इसके लिए ए बी और सी क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं, 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0, ये हम जब लिखेंगे तो इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग कि हमने कौन सी लिख ली, कौन सी रह गई। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड है जो कि हम फॉलो करेंगे। सो वो क्या मेथड है वो हम समझेंगे। जब सिर्फ दो इनपुट्स थी, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैसे आएंगे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस किसी भी गेट के लिए, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? अगर दो इनपुट्स हैं, 2 raised to the power नंबर ऑफ इनपुट्स, अगर दो इनपुट्स हैं तो 2 raised to the power 2 is equal to 4, उसके 4 ही कॉम्बिनेशंस आएंगे। जैसे कि हमने टू इनपुट एंड गेट में कितनी इनपुट्स थी, दो, 2 raised to the power नंबर ऑफ इनपुट्स 2 raised to the power 2 is equal to 4, 0 0 0 1 1 0 1 1, उसमें कुछ ज्यादा नहीं था तो हमने सीधा लिख दिए। अब नाउ हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर, देयर आर थ्री इनपुट्स, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 3 is 8। सो इनपुट कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 8, इसलिए ये हमने 8 जो बॉक्सेस हैं वो बनाए। अब 8 कौन कौन से, 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1, तो अगर हम ऐसे हैप्पीजेडली नहीं लिखेंगे, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर मेथड है, विल स्टार्ट दी काउंटिंग। 8 है तो 0 to 7 हम काउंटिंग लिख देंगे, उसमें आपके जितने भी इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे आ जाएंगे, उससे अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो ये आप शॉर्ट में लिख लो ऊपर, 1 2 4 1 2 4, और काउंटिंग बाइनरी लिख दो 0 से लेकर 7 तक। 0 क्या है, 0 0 0, 1 क्या है, 0 0 1, 2 क्या है, 0 1 0, 3 क्या है, 0 1 1, 4 क्या है, 1 0 0, 5 1 0 1, 6 1 1 0, 7 1 1 1। कैसे आया, ऊपर हमने लिखा 1 2 4, जैसे कि आपको बताया था कि जब डेसिमल से हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, 1 2 4, तो ये हमने लिखा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो 0 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 1 2 4 में से 0 बनाने के लिए हमें कौन सा नंबर चाहिए, कोई नहीं चाहिए, तो सबके नीचे 0। 1 बनाने के लिए 1 2 4 में से कौन सा नंबर चाहिए, 1 बनाने के लिए 1 चाहिए,
तो वन के नीचे वन, बाकी सबके नीचे जीरो। टू बनाने के लिए कौन सा नंबर चाहिए? टू, तो टू के नीचे वन, बाकी सबके नीचे जीरो। थ्री बनाने के लिए टू और वन दोनों, तो उन दोनों के नीचे वन वन, बाकी जो बचा उसके नीचे जीरो। फोर के लिए फोर चाहिए, वन जीरो जीरो। सो ऐसे हम ये लिख देंगे। या एक और इसका है मेथड कि आपने जीरो 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 वन, वन जीरो और वन वन, ये तो आपको याद हो गया जब टू इनपुट में हमने किया, तो ये हम बी और सी के नीचे दो बार यही पैटर्न लिख देंगे, जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन, फिर जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन। और जो थर्ड इनपुट है एमएसबी वाली ए, उसके आगे लिख देंगे चार बार जीरो और चार बार वन। ठीक है, कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद अब हम लिखेंगे इसकी आउटपुट। जीरो 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 आउटपुट क्या आएगी? जीरो, क्योंकि सभी इनपुट्स जीरो हैं। जीरो जीरो वन आउटपुट क्या आएगी? जीरो, क्योंकि एंड गेट का लॉजिक ये है कि एंड गेट में आउटपुट वन तभी आएगी जब सभी इनपुट्स वन आएंगी। तो यहां पर सभी इनपुट्स वन नहीं है, इसलिए आउटपुट जीरो आएगी। जीरो वन जीरो पे जीरो, जीरो वन वन पे जीरो, वन जीरो जीरो पे जीरो, वन जीरो वन पे जीरो, वन वन जीरो पे जीरो और वन 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 पे वन। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एंड गेट का लॉजिक है, एंड गेट की आउटपुट वन कब आएगी? जब ए एंड बी एंड सी तीनों वन होंगे तो आउटपुट वन आएगी। तो यहां पर ए एंड बी एंड सी तीनों वन है, इसके लिए आउटपुट वन आएगी। ठीक है जी, इसके बाद इसका एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। और अगर आपको उस फॉर्मेट में लिखना हो एनालॉग वाले में, तो उसमें एक स्विच और ऐड हो जाएगा, स्विच थ्री, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब सपोज अगर आपने फोर इनपुट एंड गेट बनाना हो तो क्या करोगे? फोर इनपुट एंड गेट बनाने के लिए सबसे पहले सिंबल लेंगे और उसमें एक लाइन और लगा देंगे और उसका नाम रख देंगे हम डी। उसके बाद फोर इनपुट मतलब इनपुट कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू टू रेज टू द पावर नंबर ऑफ इनपुट्स। नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी मैं कह रहा हूं आपको है? फोर। तो इनपुट कॉम्बिनेशंस हो गए टू रेज टू द पावर फोर। टू रेज टू द पावर फोर मीन्स टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू टू जर फोर टू जर एट टू जर सिक्सटीन। तो कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? ये जिसमें एट लाइंस बनी है उसमें कितनी आएंगी? सिक्सटीन रोज आएंगी। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे सिक्सटीन। तो वो फिर कैसे लिखेंगे हम? सेम, जब एट थे तो हमने बाइनरी काउंटिंग लिखी जीरो से लेके सेवन तक। अब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 16 है तो हम बाइनरी काउंटिंग लिख देंगे 0 से लेके 15 तक। यहां पर एक कॉलम और ऐड हो जाएगा ए बी सी और डी। ठीक है, और शुरू करेंगे हम 0 से लेके 15 तक चला जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका जो है फोर इनपुट, ऐसे फाइव इनपुट, एनी नंबर ऑफ इनपुट्स यू कैन मेक। तो ये आपका था एंड गेट। ठीक है, एंड गेट का लॉजिक सिंपल, जब उसकी सभी इनपुट्स वन होंगी तो उसकी आउटपुट वन होगी, अगर उसकी एक भी इनपुट जीरो होगी तो आउटपुट उसकी जीरो होगी। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक अप और गेट। ठीक है जी, थैंक यू।